टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के रशीद कंपाउंड में बिस्मिल्ला टावर में कार अनियंत्रित होकर सोसाइटी की दीवार से टकरा गई और ये हादसा दीवार टूटने की वजह से हुआ। गनीमत रही कि दीवार टूटकर जो गिरी है इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है। दीवार के बाहर ही कुछ हॉकर्स धंधा लगाते थे, ये बाल बाल बच गए, किसी को चोट नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि बिस्मिल्ला सोसाइटी में कोई व्यक्ति कार चला रहा था, हालांकि कौन चला रहा था इसका नाम हमें नहीं पता चल सका है क्योंकि इसमें कई बातें सामने आ रही हैं। कई लोगों का कहना ऐसा है कि कोई कार सीख रहा था वो चला रहा था और ये हादसा हो गया, मगर वहीं सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बिना नाम का जिक्र किए हुए बताया कि ये कार जो चला रहा था उसके पास लाइसेंस वगैरह और कागजात सभी कुछ है, मगर ब्रेक की जगह उन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया जिसकी वजह से कार काफ़ी रफ्तार में हुई और दीवार से जाकर टकरा गई। दीवार से टकराने की वजह से ये दीवार जो है टूटकर गिर गई। दीवार के जस्ट बगल में ही हॉकर्स हैं जो गन्ने का जूस और पानी पूरी का धंधा लगाते हैं। इन लोगों के पास में ये दीवार का मलबा टूटकर गिरा। इन लोगों ने जैसे ही आवाज़ सुनी उसी दौरान हट गए थे वहाँ से, वरना ये दीवार का मलबा जो है इनके ऊपर गिरता तो इनकी इसमें जान भी जा सकती थी। बहरहाल ये पूरा हादसा जिस तरह से हुआ, सोसाइटी में कार अनियंत्रित हुई, दीवार से टकराई और दीवार टूटकर हॉकर्स के गाड़ियों पर गिरी, इस पूरे मामले में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। राजू भाई इसको मार नहीं लगा, वो इसका विकेट गिरता था गन्ने वाले का, भाग गया नहीं, खाना खाने जा रहा था। अरे वो खाना खाने जा रहा था, टिफिन उसका खाने का।